शिवपुरी जिले के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नसबंदी शिविर में बरती गई लापरवाही के चलते नसबंदी कराने आई एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ गई। महिला की मौत के मामले में स्थानीय चिकित्सीय स्टाफ की लापरवाही बताई जा रही है। महिला की मौत के कारणों को जानने के लिए आज रविवार को 3 डॉक्टरों ने पैनल के द्वारा कैमरों की निगरानी में महिला का पोस्टमार्टम कराया। जानकारी के अनुसार शनिवार को पोहरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नसबंदी शिविर में डोंग बरबे की रहने वाली 26 वर्षीय कौशल्या पत्नी सुमरन आदिवासी को आशा कार्यकर्ता नसबंदी कराने के लिए शिविर में पहुंची। कौशल्या ने मदद के लिए अपनी ननद कमलेश को बुला लिया था। कौशल्या का LTT ऑपरेशन करने के बाद उसे पलंग पर लिटाया गया, लेकिन कुछ ही देर में कौशल्या दर्द से तड़पने लगी, जिस पर कौशल्या की ननद कमलेश ने वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में बताया, पर स्टाफ ने यह कह दिया कि थोड़ा बहुत दर्द होता है। जब काफी देर तक दर्द कम होने की बजाय बढ़ने लगा तो कमलेश एक बार फिर नर्सिंग स्टाफ बुलाकर लाई। नर्सिंग स्टाफ को जब यह महसूस हुआ कि महिला की हालत बहुत अधिक बिगड़ गई है तो उसने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर ने महिला को तत्काल शिवपुरी रेफर कर दिया, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि अगर चिकित्सकीय स्टाफ समय पर महिला को देख लेता तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। इस नसबंदी शिविर में ऑपरेशन करने पहुंचे डॉक्टर PK खरे ने 50 महिलाओं के ऑपरेशन किए, जिनमें से कौशल्या की मौत हो गई। आदिवासी महिला कौशल्या की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आज रविवार को 3 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल महिला का पोस्टमार्टम करेगा। नोडल अधिकारी डॉक्टर रोहित भदकारिया का कहना है कि नसबंदी शिविर में नियमों का पूरा पालन किया था। गाइडलाइन के अनुसार 50 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था। महिला की मौत का कारण क्या रहा, इसकी जानकारी तो PM रिपोर्ट के बाद ही लग सकेगी। नसबंदी कराने आई कौशल्या के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में सरकार द्वारा मदद का प्रावधान है। परिवार कल्याण के नोडल ऑफिसर डॉक्टर रोहित भदकारिया ने बताया कि नसबंदी के दौरान महिला की मौत के मामले में कौशल्या के स्वजनों को नियमानुसार 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता मिलेगी। 2 लाख की इस राशि में से उसके स्वजनों को 50,000 रुपए तत्काल नगद प्रदान कर दिए जाएंगे, जबकि शेष 1.5 लाख रुपए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार प्रदान किए जाएंगे। ऑपरेशन को आई का ऑपरेशन नसबंदी का कहाँ पे आई थी? पोहरी में। तो क्या हुआ था? नसबंदी करा के और फिर घबराहट सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।